हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संतोष लांजेकर और मैं आपके लिए लाया हूँ आर्ट क्लास। तो आर्ट क्लास इज संतोष, जिसमें आज मैं आपको कुछ पोर्ट्रेट सिखाने वाला हूँ। सिमेट्रिकल फेस ऑयल पेंटिंग में हम कैसे करेंगे, इसमें मैं आपको बताऊँगा कि ऑयल पेंट का जो मीडियम होता है उसमें कौन से कंपनी के कलर्स आप यूज़ कर सकते हो, ब्रश कौन से यूज़ कर सकते हो। ऑयल कलर मिक्स करने के लिए हम लिनसीड ऑयल का यूज़ करते हैं, ब्रश वॉश करने के लिए हम टर्पेंटाइन का यूज़ करते हैं, जो बिगनर्स है ये उनके लिए है। लेकिन काफ़ी लोग हैं जिनको सिमेट्रिकल फेस नहीं आता है, तो उसको इजी तरीके से एक तो है कि हम ग्रीड से कर सकते हैं, ठीक है, और एक है ये जो इसके फॉर्मूले से, जैसे जो भी मुझे फेस बनाना हो, जैसे मुझे ये फेस बनाना है तो मैंने इसके दो प्रिंट आउट ले लिए, ओके, हाफ हाफ, और इसको मैं सिमेट्रिकल यहाँ पर प्लेस करके मैं वहाँ पर उसको ड्रॉ करूँगा तो मुझे कॉपी करने में ईजी जाएगा। और इसका फॉर्मूला कैसे बनाना है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, मेजरमेंट कैसे लेना है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो मैं पहले इसको स्टिक कर लेता हूँ, आप टेप से इसको इस प्रकार, जैसे मैंने ये टेप लिया है, टेप से आप इसको सेंटर से लगा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये प्रिंट मैंने यहाँ पर स्टिक कर दी है। अब मैं सेम यहाँ पर मिरर इमेज यहाँ पर ड्रॉ करूँगा, उसके लिए मैंने ये स्ट्रिप ली है जिसको मैंने बीच में मार्किंग किया हुआ है, फोल्ड करके बीच में मार्किंग। फॉर एग्जांपल अगर आईज बनानी है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से स्लीपिंग लाइन बनाऊँगा आईज के यहाँ से, ओके। अब मैं आईज का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट इसको मैंने मार्क किया, इसको मैंने सेंटर में रखा उस लाइन के ऊपर, वन टू, मतलब इसकी इन बिटवीन मेरी आईज आएगी। अभी आईज का हाइट यहां से मैंने लाइन ली, यहां से ली, अब यहां से ये सेंटर यहाँ तक आइस का नीचे वाला कर्व है, फिर अपर वाला यहाँ तक है, अब इस तरीके से मैं इसको मिरर इमेज में जोड़ दूंगा। बाकी मैं फ्री हैंड कर रहा हूं। फ्रेंड्स, ऑयल पेंट के लिए मैंने फ्लेस्किन, बर्न सियाना, बर्न अम्बर, ब्लैक, इंडियन रेड और वाइट ये कलर लिए हुए हैं, ऑयल में लिए हुए हैं। अगर आपको मिक्सिंग के लिए ऐसा लग रहा है कि कलर ज़्यादा थीक है तो आप हल्का सा ऑयल इसमें डाल सकते हो, मैं फिंगर से कलरिंग करके बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप ध्यान दीजिए।
पहले यहाँ पर फ्लेस्टिन एंड व्हाइट यहाँ पर मिक्स किया हुआ है, जहाँ पर आपको ये लाइट कलर दिख रहा है फ्लेस्टिन एंड व्हाइट है। देन यहाँ पर इंडियन रेड है, देन बर्नट अम्बर ब्लैक, आइस के अंदर भी मैंने हल्का सा बर्न किया ना, ब्लैक बर्नट अम्बर हल्का फ्लेस्टिन ये यूज़ किया है। यहाँ पर व्हाइट एंड हल्का सा इंडियन रेड और फ्लेस्टिन मैंने यूज़ किया हुआ है। ऊपर के तरफ ऊपर का जो पार्ट है यहाँ पर मैंने क्रोम येलो हल्का सा लेमन येलो और इंडियन रेड और फ्लेस्टिन का यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर मैंने स्कारलेट और हल्का सा क्रिम्सन लेक यूज किया हुआ है, सेम ये टोन यहाँ पर भी यूज किया हुआ है स्कारलेट एंड क्रिम्सन लेक। पहले मैंने बैकग्राउंड बनाया हुआ है ब्लैक एंड बर्न अम्बर से, उसके बाद सिंथेटिक पतले ब्रश से मैंने व्हाइट कलर लेके ये स्ट्रोक दिए हुए। आपको टाइम लैप पे थोड़ा फास्ट दिखेगा इसलिए मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, पेंटिंग रेडी हो चुकी है और पेंटिंग बुक आपको अच्छी लगी हो। मैंने कुछ टाइम लैप पे फास्ट फॉरवर्ड करके बताया पेंटिंग को, अगर आपको और डिटेल में जानना हो तो इसके आगे की वीडियो का आप देखिए, उसके अंदर मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। होप सो आपको पेंटिंग अच्छी लगी हो, अगर आपको पेंटिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। थैंक यू।